और आइए अब आपको बताते हैं नटवर लाल के उस्ताद के बारे में। AIADMK पार्टी का सिंबल दोबारा हासिल करने के लिए 50 करोड़ रुपए में शशिकला के भतीजे दिनाकरन से डील करने का आरोपी सुकेश चंद्रशेखरन दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में। दिल्ली पुलिस ने सुकेश के पास से 1.5 करोड़ रुपए के साथ ही कई महंगी कारें जब्त की हैं, जिनमें BMW और मर्सिडीज कारें भी शामिल हैं। ये बताया जाता है कि 27 साल के सुकेश चंद्रशेखरन को बालाजी नाम से भी जाना जाता है। सुकेश ने महज 17 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा था, जब वो बेंगलुरु के बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। पहली बार बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस अथॉरिटी में घोटाले को लेकर सुकेश चंद्रशेखरन को गिरफ्तार किया गया था। सुकेश अपने आप को राजनेताओं का रिलेटिव्स बताकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। पिछले एक साल में ही सुकेश देश भर में कई लोगों को कई 100 करोड़ का चूना लगा चुका है। 27 साल की उम्र तक पहुंचते सुकेश चंद्रशेखरन की गिनती देश के सबसे बड़े चालबाजों में होने लगी। खुद को IAS बताकर करोड़ों की गाड़ियों में घूमने वाले सुकेश के खिलाफ अब तक 15 केस दर्ज हो चुके हैं और 100 से ज्यादा लोगों ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। तो सुकेश चंद्रशेखरन और लीना मारिया, ये दोनों पिछले एक साल में ही देश भर में कई लोगों को कई 100 करोड़ का चूना लगा चुके हैं। इनमें कुछ राष्ट्रीय बैंक तक शामिल हैं। ये दोनों लाल बत्ती या महंगी कारों में बिजनेसमैन से लेकर सरकारी बैंक के अफसरों से मिलते। इस दौरान लीना मारिया का इस्तेमाल बेबी डॉल के तौर पर होता। 2011 में मारिया दुबई से पढ़ाई पूरी करने के बाद मॉडलिंग की दुनिया में किस्मत आजमाने मुंबई पहुंची। वहां उसकी मुलाकात सुकेश चंद्रशेखरन से हुई। महंगी गाड़ियों में घूमने, कपड़े पहनने और 5-स्टार रहन सहन जल्द ही दोनों को करीब लाया। और इसके बाद सुकेश ने मारिया को मॉडलिंग के कुछ असाइनमेंट दिलाए और फिर अपने साथ चेन्नई ले गया। चेन्नई में मारिया को सुकेश की मदद से कई फिल्मों में हीरोइन का लीड रोल मिला और वो देखते ही देखते टॉलीवुड में मशहूर हो गई। बाद में मारिया को पता चला कि सुकेश की सारी कमाई का जरिया धोखाधड़ी है। अंग्रेजी बोलने वाला सुकेश खुद को IAS अफसर बताकर नए नए प्रोजेक्ट पास कराने को लेकर बिजनेसमैन से पैसे लेता या फिर बैंक से लोन, और इसके बाद पैसा हाथ आते ही वो खिसक लेता। इस काम के लिए उसने मारिया को अपना पार्टनर बना लिया। कहते हैं कि चेन्नई में सुकेश और मारिया ने मिलकर सैकड़ों लोगों को करोड़ों का चूना लगाया। इन दोनों के कारनामे सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आए जब सुकेश ने मारिया की मदद से चेन्नई के केनरा बैंक से 19.75 करोड़ के लोन लिए और फिर रकम मिलते ही गायब हो गए। सुकेश ने बैंक में खुद को IAS बताया था। बैंक की शिकायत पर ही पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी। बचने के लिए दोनों दिल्ली आकर एक फार्म हाउस में रहने लगे। 4 लाख रुपए महीने किराए पर लिए इस फार्म हाउस में दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। तो अब ये सुकेश चंद्रशेखरन दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली पुलिस ने सुकेश के पास से 1.5 करोड़ रुपए के साथ ही कई महंगी कारें भी जब्त की हैं।